ये महामंगल में समयसार परमागम है। आचार्य देव श्री कुंद कुंद की किसी अद्भुत घड़ी में लिखी हुई भरत क्षेत्र की एक उत्कृष्ट रचना है। शुद्धात्म स्वरूप जो भगवान समयसार है, जगत का हर प्राणी भगवान समयसार स्वरूप है। हर प्राणी चाहे कितना ही विपत्तियों में हो अथवा कितना ही देवों की रिद्धियों के बीच में हो अथवा निगोद में हो या सिद्ध दशा में हो, लेकिन उसके द्रव्य को देखा जाए तो वो साक्षात भगवान है। उसी का नाम समयसार, उसी का नाम ज्ञायक। उसका प्रतिपादन करने वाली ये अद्भुत रचना हमारे हाथ आई, हमें मिल गई। ये कोई दुर्लभ चिंतामणि मिला। ये अनुभव भी जिनके हाथ में समयसार है उनको होता नहीं है। एक बार भी ऐसा अनुभव हो, चित्त में ऐसा उछाल आवे, ऐसा हर्ष हो चित्त में, चक्रवर्ती की संपदा एक और ये समयसार परमागम, जो समयसार स्वरूप भगवान परमात्मा का वाचक है, प्रतिपादक है, मेरा प्रतिपादक है, मेरा यशोगान करने वाला है। वो परमागम, वो समय प्रावृत, उस चक्रवर्ती की संपदा से अधिक वजनी है, अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह तो नष्ट होने वाली है और इस समय प्रावृत ने, समयसार शास्त्र ने जिस समयसार स्वरूप परमात्म द्रव्य की ओर हमें झुकाया, उसका वाचन किया, उसका प्रतिपादन किया, वह समयसार साक्षात सिद्ध परमात्मा के समान है। वर्तमान में सिद्ध दशा आगे पैदा होने वाली है और यह परमात्म स्वरूप समयसार शुद्ध ज्ञायक जिसको यहाँ कहा है, वह वर्तमान में ही सिद्ध परमात्मा के समान शुद्ध परमात्म तत्व है। त्रैकालिक, त्रिकाल सिद्ध परमात्मा नए बनते हैं, पहले नहीं थे। जिस समय सिद्ध परमात्मा की शुद्ध दशा प्रकट नहीं हुई उस समय भी ये समयसार हमारे ही पास था, भगवान स्वरूप समयसार। और सिद्ध परमात्मा बनने पर भी ये हमारे ही पास रहता है।
जगत के जीव फिर भी इसको पाकर दुखी क्यों है, कष्ट में क्यों है? कि उसका एक ही कारण कि उन्होंने इस भगवान समयसार स्वरूप शुद्धात्म द्रव्य को स्वीकृति नहीं दी। कितनी सी बात रही, आपका निमंत्रण स्वीकार है अथवा अस्वीकार है, इतनी सी तो बात। निमंत्रण तो आपका है ही, वो तो है ही आपका निमंत्रण, तो स्वीकार है अथवा अस्वीकार है इतना मात्र बोलना है, इतना मात्र कहना है। उसी तरह आचार्य कुंद कुंद के ये शब्द ब्रह्म भगवान सर्वज्ञ अनंत परमात्मा के वचन उसके प्रवाह रूप में चला आया। यह जो मंगल वचन है वह मंगल वचन साक्षात मंगलमय है, मंगलकारी है, मंगल करने वाला है। इसलिए ऐसा लगना चाहिए, जीवन में यदि कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, रोटी भी नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन समयसार मिल गया, ऐसा हर्ष और उल्लास के आंसू बह जाने चाहिए। अभी अनंत जीवन में जिसकी उपलब्धि हुई नहीं, अनंत जीवन बिताए मैंने, समयसार मिला क्या? नहीं मिला। आज मिला और इसका रहस्य खोलने वाले, देशना प्रदान करने वाले भगवान गुरुदेव भी मिले। गुरु भी भगवान होते हैं ना, क्योंकि भगवान स्वरूप आत्म तत्व को बताने वाले लोक में एकमात्र वही होते हैं। उन्होंने बताया, इस रहस्य को खोला। सारे समयसार का रहस्य केवल इतना कि तू शुद्ध ज्ञान और आनंदमय ज्ञायक तत्व है, परमात्म द्रव्य है तू, इसको स्वीकार करना अथवा न करना ये तेरे पुरुषार्थ पर निर्भर है, तेरी ही इच्छा पर निर्भर है सारा का सारा। इतना सारे समय सार का सार कि उसको स्वीकृति देना कि हाँ सचमुच ये किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं है, ये चर्चा स्वयं मेरी है। समयसार स्वरूप भगवान परमात्म द्रव्य मैं स्वयं ही हूँ और यह यशोगान उसी का हो रहा है। कौन यश कौन गा रहे हैं कि भगवान अनंत परमात्मा जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वे हमारे भीतर बैठे हुए भगवान समयसार की पूजा करते हैं, उसका यशोगान करते हैं। ये गौरव की नहीं है बात? अरे अपना यश कोई बता रहा हो, कोई बातचीत कर रहा हो अपने विषय में, तो हम दूसरे कमरे में भी चुपचाप जैसे कोई मगन हो रहे हों इस तरह से सुना करते हैं। और ये तो खुली घोषणा कर रहा है समयसार, तो ये तो खुला अखबार है जो आत्मा को
भगवान कहकर पुकारता है, मेरे को भगवान कहकर पुकारता है, अरे मैं अपने को आज तक पामर मानता आया, अधम मानता आया, नीच मानता आया, मैं तो समयसार के पवित्र कुल का पवित्र जीव तत्व हूँ, ऐसी ये अद्भुत रचना है। उसमें प्रश्न का उत्तर देते हैं आचार्य। शिष्य ने प्रश्न किया, आपने जिस एकत्र विभक्त आत्मा की चर्चा की, मैंने शुद्ध आत्मा की जो अपने से एकत्व स्वरूप है, अपना सब कुछ अपने में समेटे बैठा है, अपने से एकत्व स्वरूप मैंने, एकत्व और विभक्त मैंने, अपने में एकत्व मैंने, अपनी सारी निधियों को जो अपने में समेटे बैठा है और जिसको कोई छीन नहीं सकता, और विभक्त मैंने अन्य से न्यारा है, इसलिए अन्य का प्रवेश उसमें सदाकाल निषिद्ध है, ऐसा जो निर्भय निर्भार निरापद आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व भगवान कौन है, ऐसा हम लोगों ने प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया, मैंने हम लोगों ने प्रश्न किया, तो आचार्य देव श्री कुंद कुंद उसका उत्तर देते हैं। अद्भुत है ना बात, अद्भुत बात, अद्भुत कोई लाभ होने वाला हो, बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो, तो जीव उस फायदे को आँखों से ओझल करके अथवा तिरस्कार करके क्या नींद लेने लगता है? है कोई ऐसा जीव जगत में? यहाँ तो साक्षात वर्तमान में ही आत्मा को मुक्ति समलाते हैं। जो उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करता, उस जीव को भगवान कुंद कुंद मुक्ति समलाते हैं। अरे तू मुक्त तत्व है, डरता क्यों है, भयभीत क्यों है, आनंद तत्व है तू, आनंद का बना हुआ श्रीखंड है साक्षात, इसलिए एक बार उसको स्वीकृति देकर उसका रसास्वादन कर ले। स्वीकृति मत, सचमुच भगवान मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा तो बोल उनके सामने, ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य तो बोल, भगवान सचमुच मैं ऐसा ही हूँ, अब आज से ये बात छोड़ूंगा नहीं, और दीनता और दरिद्रता की बात नहीं करूंगा। ऐसी कहानी है, ऐसा उपन्यास है समयसार, ऐसा अद्भुत उपन्यास आत्मा का, जिसमें आत्मा की स्वीकृति के बिना आत्मा की जो दशाएं बिगड़ी उनका भी वर्णन किया, लेकिन सबसे ऊपर उस समयसार को ही रख कर उस समयसार का यशोगान किया, और हर जीव के हृदय में उस समयसार स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतिष्ठा की। है तेरे पास, तू है, हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मन हम दे रहे हैं वो नहीं, तू स्वयं है सदा से और अनंत काल तक रहेगा, उसे तेरी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तूने अस्वीकार किया इसलिए अनंत संकट तूने झेले, एक बार की स्वीकृति में अनंत संकटों के पर्वत टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, एक बार की स्वीकृति में। ऐसा उसको ज्ञान की ओर से, ज्ञान स्वभाव की ओर से
ज्ञायक नाम देकर आचार्य कहते हैं टीका में, टीका की बात करी थी ना अपन ने, जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी के प्रकरण नहीं हैं, अनादि से नहीं सुना ऐसी अद्भुत बात है, सिर नहीं हिलाना, सिर हिलाएगा तो वो सिर फिर मिलने वाला भी नहीं है, वो मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए ये परम सत्य है, परम सत्य। हजारों लाखों करोड़ों लोग इस सत्य से इनकार करें, लेकिन यह सत्य, ये परमात्म स्वरूप समयसार तत्व जो स्वयं हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, वो डिगने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना ही इसका तिरस्कार करे। टीका में आचार्य कहते हैं जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, अपने से ही सिद्ध होने से, अरे उस पर किसी का एहसान नहीं, उसकी सत्ता पर वो किसी के सहारे से किसी से सामग्री ले लेकर नहीं बना, मांग मांग कर, लेकिन वो तो अनादि से स्वयं सिद्ध बिना किसी का बनाया हुआ अकृत्रिम तत्व है, अकृत्रिम, कृत्रिम नहीं है कि किसी ने रचना कर दी हो, और जिसने रचना की हो तो वो हमेशा के लिए उसके अधिकार में पराधीनता में फंस गया हो, ऐसा वो समयसार ज्ञायक तत्व नहीं है, अद्भुत परमात्म तत्व है। तो जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, जो भी बात है, आचार्य अमृतचंद्र की ये टीका जिसमें छठी गाथा की दो लाइनों का दोहन किया गया, उसमें से उन दो थनों में से दूध निकाला गया, दो लाइन आचार्य कुंद कुंद की, उसका दोहन करते हैं अमृतचंद्र जैसे पुरुष, नित्य आत्मानुभूति करने वाले, वो उसका दोहन करते हैं और हमें पिलाते हैं। तो अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात मुझे किसी का अवलंबन और किसी का एहसान, किसी ने रचना की हो उस ज्ञायक तत्व की, ऐसा जगत में कोई ज्ञायक, कोई परमात्म तत्व नहीं है। इसलिए अनादि सत्ता रूप है। तो हम भी अपने मन में बोलें कि अरे मैं तो अनादि सत्ता रूप हूँ, किसकी चर्चा है, कोई आत्मा की चर्चा है, दुनिया में रहता होगा कहीं, कहीं मिलता होगा कहीं, अरे हर आत्मा की चर्चा, और मुख्य रूप से वह सैनी पंचेंद्रीय प्राणी कि जिसे मन मिला है, मन जैसा ज्ञान मिला है, उसके लिए स्वीकार करने जैसी बात, तत्काल स्वीकार करने जैसी चर्चा है, वही तो स्वीकार करेगा, जो समझ सकेगा वही स्वीकार करेगा। इसलिए मैं अनादि सत्ता रूप हूँ, अरे मैं अनादि से चला आया, पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा, ज्यों का त्यों, अनेक बीहड़ वन अटवियों में गिरने पड़ने वाला, लेकिन कभी भी मेरा एक प्रदेश भी नहीं खिरने वाला, ऐसा अनादि सत्ता रूप, अनादि से विद्यमान तत्व हूँ।
तो हिम्मत आती है कि नहीं? बात करते ही अनादि सत्ता, किसको कहते हैं अनादि सत्ता? अरे जो सदा से ही है, किसी की रचना नहीं है, जो ऐसा अनादि सत्ता रूप हूँ। केवल सुनने की बात नहीं, लेकिन निरंतर निरंतर प्रतिक्षण हर घड़ी चिंतन का विषय है। और चिंतन के बाद तो निश्चित रूप में अनुभूति का ही विषय है। खाली सुनने का नहीं, सुनकर उठ गए, बात स्टॉप हो गई, वहाँ पूर्ण विराम लग गया, अब दूसरी चर्चा शुरू हो गई, दूसरे क्रियाकलाप प्रारंभ हो गए, वो नहीं है बात। अरे कैसे ही क्रियाकलाप, कैसी ही चर्चाएं दूसरी हों, लेकिन उनके बीच में बहने वाली इसकी मधुर धारा, वो विराम को प्राप्त नहीं होती, वो निरंतर चलती है, हमेशा चलती है, कभी नहीं भूलता। क्योंकि एक बार उसकी गरिमा और उसकी महिमा हृदय में बैठ जाए, अरे अनादि सत्ता रूप किसको कहते हैं? पुरुष पुरातन, पुरातन पुरुष, प्राचीनतम पुरुष, ऐसा मैं हूँ जिसकी जन्म और मृत्यु कभी नहीं हुई। और ऐसा होने के कारण, अनादि सत्ता रूप होने के कारण, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है वो ज्ञायक तत्व, वो आत्म तत्व, वो परमात्म तत्व, वो कारण परमात्मा, वो पारिणामिक भाव, जीव तत्व का पारिणामिक भाव, वो पारिणामिक भाव कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने से अनंत है। ऐसा मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। अनादि अनंत तत्व को इस विश्व में किसकी चिंता? क्या चला जाएगा और क्या मिलेगा? क्योंकि ये तो पूर्ण तत्व है, सदा से चला आया, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, तो पूर्ण है या नहीं है? पूरा का पूरा आत्मा है या नहीं? या धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा खिर जाता है, थोड़े थोड़े प्रदेश उसके टूट जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। असंख्य प्रदेशी अखंड आत्म तत्व, ऐसा ज्ञायक न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी विनाश को प्राप्त होगा। इतनी सी बात बैठ जाए, निहाल हो जाए इतनी सी बात में। और नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, नित्य ही जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान है, जिसका ज्ञान भी अनादि अनंत, उससे जो नित्य उद्योत रूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वह क्षणिक नहीं है। कभी उसका जानना मिट नहीं जाएगा, जानने का कभी अभाव नहीं होगा, सदा ही नित्य उद्योत रूप, नित्य प्रकाशमान रहेगा। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान मैंने वे अंधे जगत के प्राणी जो ये कहते हैं आत्मा दिखता नहीं है। अरे दिखता है, लेकिन तेरी आँख जानबूझकर बंद है। ये जो स्पष्ट प्रकाशमान है ज्ञान से, जो ज्ञान निरंतर प्रति समय प्रवाहित है, चल रहा है, इस ज्ञान को तू जानता नहीं है? ये ज्ञान जानने में नहीं आता? मैं जानने वाला हूँ, ये जानने में नहीं आता? तो स्पष्ट प्रकाशमान हुआ कि नहीं? स्पष्ट रूप से जिसका अनुभव किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है, ऐसी स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कितना बेधड़क कहा है आचार्य ने, पर्याय को एक ओर रखकर, सारी पर्याय को, प्रमत्त और अप्रमत्त, सारी पर्याय, सारी दशाएं बिल्कुल एक ओर,
प्रमत्त दशाएं मोह राग द्वेष की दशाएं 28 मूल गुण 13 प्रकार के चारित्र की मुनिराज की दशाएं सब रागात्मक होने से ज्ञायक से भिन्न हैं और एक और हैं कभी ज्ञायक में जिनका मिश्रण नहीं होता और इनका अभाव होकर इस अशुद्धता का अभाव होकर उस ज्ञायक के लक्ष्य से इनका अभाव होता है। इनका अभाव होने पर उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल दशाएं 14 गुणस्थान उनमें से अप्रमत्त से लेकर 14वें गुणस्थान तक उसके आगे सिद्ध दशाओं तक वे निर्मल पर्यायें भी सचमुच एक और हैं और ज्ञायक एक और है। अरे आने और जाने वाली उत्पाद और व्यय करने वाली लहरों के समान आती है और चली जाती है और मैं तो वही का वही ज्यों का त्यों विद्यमान रहता हूँ। कभी मेरे में परिवर्तन कोई पर्याय मेरे में होती जब मैं पर्याय रहित हूँ तो फिर मेरे में अशुद्धता और शुद्धता के दो विभाग कैसे। मैं तो सारे जगत से भिन्न और परिणाम मात्र से भिन्न ऐसा शुद्ध ज्ञायक हूँ। ऐसा चिंतन का विषय है, चिंतन हो इस पर बार बार, क्योंकि अनादि की जो वासना है जन्म और मृत्यु की आपदाओं की विपदाओं की उसको मिटाने के लिए नित्य चिंतन की वस्तु। ज्यों ही वे विकल्प आवें त्यों ही उत्तर क्या मिले। आज घर में घी नहीं है और आदमी करोड़पति है और अपने को मानता भी अच्छा है, अपने को संजीदा मानता है, अभिमान नहीं है लेकिन अपने को मानता है कि अपने पास 1 करोड़ रुपया है। आज घर में घी नहीं है, क्या ये चीज़ प्रश्न बनकर खड़ी रहेगी या वो ये बोलेगा कि अभी आ जाएगा। घी नहीं है ये कहने में उसे कुछ चिंता है, चिंता का बोध होता है नहीं होता। उसी तरह अनेक आपदाएं, अनेक विपत्तियां, अनेक अभाव, अनेक सद्भाव, जितना कुछ विकल्प उठता है, जितना भी, उस सब का एकमात्र जवाब है ये उत्तर है ये ज्ञायक। इतने क्या नहीं है, क्या बोलते हो? कहाँ है संकट? देखो तो जरा भीतर जाकर अपने आप को टटोलो तो सही कि तुम्हारी तिजोरी फायर प्रूफ है। घर तो जल गया लेकिन तिजोरी बिल्कुल सुरक्षित है और उसी में तुम्हारा सब कुछ रखा है। तुम्हारे माणिक मोती उसी में रखे हैं और फायर प्रूफ है वह तिजोरी। उसका कुछ बिगड़ने वाला तो अभी बाहर किवाड़ खोले बिना ही क्यों रोते हो? एक बार किवाड़ खोलकर उद्घाटन करके तो देखो कि वो तो सुरक्षित पड़ी है। इस तरह हर विकल्प में क्यों विकल्प मैंने रोना, हर समय का रोना, उस विकल्प का जवाब तो कैसा है जो कहते कहते आचार्य क्या करें कि लेखनी और विकल्प लिखने के दोनों सीमित हैं। कहाँ तक लिखें? लिखते ही थे, अरे भगवान केवली भी कहाँ तक बोलें और भगवान गंधर्व भी कहाँ तक लिखें, कहाँ तक रचना करें? कितना है ये ऐसा सागर है कि जिसका पार ही नहीं है, जिसकी था नहीं है, ऐसा सागर है ये, कहाँ तक इसके संबंध में कहा जाए। इसलिए आचार्य हमारी समझ में आ सके इतना लिखकर हमको कहते हैं कि आप ज़्यादा बात मत करना, अधिक विकल्पों से बस हो, इसके विकल्प भी मत करो, इसको चख लो एक बार, क्योंकि ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट पड़ा हुआ है, इसलिए एक बार इसका रसास्वादन कर लो। ऐसा जो ज्ञायक
एक भाव है। कैसी अद्भुत बात लिखते हैं आचार्य, ऐसा ज्ञायक जिसको हमने यहाँ समयसार को ज्ञायक नाम दिया है ज्ञान की ओर से, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही उसका अनुभव होता है और वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञा का रूप होता है, उसका ज्ञान सारे जगत के आकारों के रूप में होता है। तो ऐसा जो उसका ज्ञान है इसलिए हम उसे ज्ञायक नाम से पुकारते हैं। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, बहुत वजनी है बात, ज्ञायक जो एक भाव है, जो एक भाव है, ज्ञायक एक सत्ता स्वरूप चीज है। एक भाव है मैंने, हाँ, कसर क्या रही हमारे जीवन में, अनादि जीवन में क्या बाकी रहा, सब कुछ हुआ, सब कुछ सुना, परिचय में पाया और अनुभव किया, सब कुछ काम और भोग, लेकिन मात्र एक ज्ञायक शेष रहा था कि जिसकी सत्ता हमको स्वीकार नहीं थी और हम अपने आप को इन मोह राग द्वेष के कारण, परिवार धन धान्य आदि के कारण, परिवार धन धान्य वाले और मोही रागी द्वेषी मानते रहे, लेकिन इनके बीच में पड़ा हुआ जो ज्ञायक चिंतामणि, उस ज्ञायक चिंतामणि के सत्ता का, उसके अस्तित्व का हमने स्वीकार नहीं किया। उसके अस्तित्व का स्वीकार कराते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, अरे ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक एक सत्ता स्वरूप चीज है, उसको तुमने सत्ता स्वरूप माना कहाँ, तुमने तो अपने आप को मनुष्य माना था ना, मनुष्य से अधिक कुछ माना था क्या, मनुष्य से अधिक मैं चैतन्य चिन्मात्र तत्व हूँ जो इस मनुष्यत्व के भीतर अविनाशी पड़ा हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्यत्व चला जाता है, मनुष्यत्व की धूल उड़ जाती है, लेकिन उस चिन्मात्र चैतन्य की कभी उसका रंच भी बिगाड़ नहीं होता, उसका रंच भी उसमें कोई विपत्ति नहीं, उसकी धूल नहीं बनती है, उसकी मिट्टी नहीं बनती है। मनुष्यत्व की तो मिट्टी बन जाती है, इसलिए वो तो मिट्टी ही है। उस मिट्टी के भीतर खिले हुए सुमन के समान जो पड़ा हुआ है, ऐसा ज्ञायक है। ऐसा ज्ञायक जो एक भाव है, सुनने की बात, समझने की बात, ऐसा ज्ञायक जो एक भाव है, एक भाव है मैंने एक सत्ता स्वरूप चीज़ है, तुमने ये स्वीकार नहीं किया आज तक। आज तक कोई कमी रही तो केवल ये कमी रही कि तुमने, हमने पर्याय मात्र तक अपने को सीमित रखकर पर्याय मात्र अपने आप को माना, लेकिन उस पर्याय के साथ जो ज्ञायक स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति था, उस स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति को उस अज्ञान के अंधेरे के से ढका हुआ होने के कारण हमने स्वीकार नहीं किया, हमने उसकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया। वो एक भाव है, वो एक सत्ता है, ऐसे उसके भाव को स्वीकार ही नहीं किया, उसकी सत्ता को, उसके होने को, उसके अस्तित्व को हमने स्वीकार ही नहीं किया एक क्षण के लिए। अरे पर्याय से की ओट को हटाकर, पर्याय के इस तम तोम को तोड़कर, फाड़कर, और यदि और नीचे जाते तो ज्ञायक तो उस कीचड़ के उस मिट्टी के गड्ढे में नीचे रत्न राशि के समान पड़ा हुआ था, रत्नों की राशि जिसमें अनंत गुणों की के रत्नों की राशि पड़ी है, ऐसा ज्ञायक भीतर पड़ा हुआ था। ऊपर मिट्टी ही मिट्टी थी, ऊपर ये मोह राग द्वेष की मिट्टी, जगत के पदार्थ चारों ओर, ये कुछ नहीं करते लेकिन हैं चारों ओर, हमने माना इनको कि ये हमारे लिए बड़े दुखदायक हैं, बड़े कष्टदायक हैं, ऐसा माना हो भले ही, लेकिन जगत के पदार्थों के बीच और उस मोह राग द्वेष के कीच के बीच, या मोह राग द्वेष की वो जो धूल और मिट्टी है, उसके नीचे तह में, गहरे तह में, वो एक मखमल की डिब्बी में पड़ा हुआ हीरा था,
उसको हमने स्वीकार कहाँ है यहाँ है तो मिट्टी मिट्टी है यहाँ कहाँ हीरा हो सकता है हम दरिद्रियों के पास हीरा कहाँ से हो सकता है अरे वो तो बहुत समय से तुम्हारे पिता के समय से तुम्हारे पिता ने उसको गाड़ कर रखा है तुम्हारे लिए गाड़ कर रखा है तुम अपने आप को दरिद्री मानते आए लेकिन तुम वास्तव में दरिद्री नहीं हो मानने मात्र तक तुम्हारी दरिद्रता की सीमा है मानने मात्र तक ऐसा जो ज्ञायक है उसी के लिए कहते हैं देखो कि हीरा जो है उसके ऊपर बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर कोयले ये बहुत हैं उसके ऊपर बहुत होने पर भी उसकी सत्ता हिलती नहीं है उसकी सत्ता उस पृथ्वी के दह में पृथ्वी की गहराई में सुरक्षित पड़ी है वो कभी वहाँ से नष्ट हुआ ही नहीं और अगर नहीं भी खोदा जाए तो नष्ट होने वाला नहीं है लेकिन यदि पता लग गया है तो खोद ही लेना चाहिए तो दरिद्रता का अंत हो जाएगा वो तो दरिद्रता का अंत है ही वर्तमान में पड़ा हुआ है सो उसमें तो दरिद्रता है ही नहीं लेकिन उसकी स्वीकृति मात्र से दरिद्रता का अंत हो जाता है ऐसा जो ज्ञायक है वो एक भाव है मैं एक भाव हूँ मैं ज्ञायक एक भाव हूँ अर्थात मैं एक सत्ता हूँ मैंने किया क्या आज तक कि मैंने अपने आप को क्षणभंगुर पर्याय जैसा तो माना नष्ट हो जाऊँगा मर जाऊँगा एक दिन मनुष्य हूँ न मालूम कहाँ जाऊँगा क्या होगा विपत्ति आ जाएगी संकट आ जाएंगे इत्यादि इत्यादि माना न ये सब माना लेकिन इन सबके साथ में पड़ा हुआ जिसने कभी इनका साथ छोड़ा ही नहीं ये साथ छोड़ते चले गए ये जाते चले गए और आते चले गए लेकिन वो एक रूप ज्यों का त्यों वही का वही रहा उसने कभी इनका साथ छोड़ा नहीं इसलिए वो इनके साथ में अनादि से पड़ा हुआ है वो भाव स्वरूप सत्ता स्वरूप ज्ञायक तत्व उसको मैंने स्वीकार नहीं किया और अपने आप को उसे भुलाकर दरिद्री माना मानते हैं लोक में दरिद्री नहीं मानते अपने को ऐसी बीतती है घटनाएं नहीं बीतती घटनाएं बीतती हैं नहीं लोक में अरे घर में बहुत गड़ा हुआ हो लेकिन व्यक्ति को पता नहीं है और जब पिता का मित्र उसका परिचय देता है तो वो उछल पड़ता है बिना खोदे ही उसे उसकी सत्ता का विश्वास हो गया क्योंकि यह परम कृपाल परम हितैषी है ये मेरे पिता का परम मित्र है इसलिए मेरा परम हितैषी है इसकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती इसी तरह भगवान कुंद ऋषि वो हमें उस ज्ञायक को वरदान स्वरूप समझते हैं लो ये संभालो तुम्हारे मोह राग द्वेष के कीच के बीच में पड़ा हुआ ये हीरा संभालो इसे एक बार इसे स्वीकृति दो तुम अनंत काल के लिए निहाल हो जाओगे ऐसी स्वीकृति मात्र चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते ज्ञायक में कुछ धरना हो निकालना हो ये गोरख धंधा नहीं बताते हैं कि तुम्हें आगे जाकर इतना व्यवसाय और करना पड़ेगा आगे जाकर इतना काम तुम्हें इस चैतन्य परमात्मा में समयसार स्वरूप शुद्ध आत्मा में ज्ञायक में इतना काम तुम्हें और करना पड़ेगा ये अनादि से कीचड़ में पड़ा है तो इसे धोना पड़ेगा इसे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा कुछ नहीं करना पड़ेगा वो तो निर्मल पवित्र ज्यों का त्यों पड़ा है ऐसा पवित्र ज्ञायक उस पवित्र ज्ञायक का क्या हुआ है तो वो भाव स्वरूप होने पर भी उसके भाव को अर्थात उसके अस्तित्व को हमने स्वीकार नहीं किया ज्ञायक जो एक भाव है इतना तो खिला हुआ मुंह खिला हुआ क्या मिल रहा है निधि संभला रहे हैं कुंद वरदान दे रहे हैं वरदान तेरी मौत होती नहीं कभी क्योंकि तेरा जन्म हुआ नहीं होती नहीं कभी तू अनादि अनंत अविनश्वर तत्व है ऐसी बात करते हैं
तो ज्ञायक जो एक भाव है, ये याद रखने की लाइन, ज्ञायक, मैं एक भाव हूँ, मैं सत्ता स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप वस्तु हूँ मैं, ऐसा भाव, वो एक भाव है। और यही स्वीकार नहीं किया, क्यों याद दिला रहे हैं आचार्य? क्योंकि उसको स्वीकार अनादि से हमने उसको स्वीकृति, उसको माना ही नहीं, माना केवल इतना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं रागी और द्वेषी हूँ। जो क्षणों में जो बादल हैं, बरसात के बादल अथवा शरद काल के बादल, उन शरद काल के बादलों की तरह से विलीन हो जाने वाली मनुष्य पर्यायें और मोह राग द्वेष के भाव, ये सब नष्ट हो जाने वाले भाव, ऐसे नष्ट हो जाने वाले भावों जितना हमने अपने आप को माना, लेकिन उस स्थाई ज्ञायक भाव जैसा अपने को नहीं माना। मैं स्थाई ज्ञायक हूँ, भाव स्वरूप, उस भाव को, उसकी सत्ता को स्वीकार किया ही नहीं, केवल पर्याय की सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन द्रव्य जो ज्ञायक है, शुद्ध परमात्म तत्व, उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक भाव है वह संसार की अवस्था में, ये बात आगे करेंगे हम।